औरंगाबाद देव प्रखंड के किताकी स्थित एक निजी स्कूल में 15 अगस्त को एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी, जिसकी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। मामले को रफा दफा करने की भी काफी कोशिश की गई, परंतु परिजनों द्वारा प्रशासन को आत्मदाह की धमकी दिए जाने और मामले को उच्च स्तरीय जाँच की मांग करने के बाद आखिरकार प्रशासन जागा और इसके जाँच के लिए पटना से बाल संरक्षण आयोग की टीम जिला मुख्यालय औरंगाबाद पहुंची। इसके पश्चात देव थाना अध्यक्ष ने बालक की मृत्यु के कारण के बारे में भी जानकारी ली एवं स्कूल परिसर में भी जाकर उस जगह का निरीक्षण किया और वहां उपस्थित लोगों से भी जानकारी ली। बालक घायल अवस्था में था। इसके पश्चात जिला मुख्यालय एसपी एनडीएसपी से इस बालक की मृत्यु के संबंध में भी जानकारी ली गई और सहयोग की बात कही गई। उन्होंने खेद भी जताया कि आखिर यह स्कूल बिना निबंधन के ही कैसे चलाया जा रहा है और यहाँ के डीईओ के जानकारी में कैसे नहीं है। हमें जैसे ही वहाँ पर जाने के बाद जो कि विद्यालय का जो नाम था उसको उन्होंने चुने सपोर्ट नहीं करके दूसरे जगह, जैसे वहाँ के लोकल लोगों ने मुझे बताया कि विद्यालय अन्यत्र चल रहे हैं, तो उस पर भी हम लोगों ने शिक्षा विभाग के डीपीओ हमारे साथ थे, उनसे हमने पूछा कि इस तरह का फिर से उसे चलाना कहीं ना कहीं आपकी पूरी तरह लापरवाही के नतीजा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतनी जो बड़ी घटना हुई तो उसे तो ऐसे ही बंद कर देनी चाहिए, उसे सील कर देनी चाहिए प्रशासन की ओर से, जो कि उसे खुला रखा गया है और उसमें जो ताले लगे हैं जिस जगह हम लोगों ने कल निरीक्षण किया, ताले लगे हैं वो भी स्कूल प्रशासन के ही ताले हैं, स्कूल के प्रबंधन का ताला है, न कि प्रशासन जिला प्रशासन का ताला है। जबकि सरकार को ताला लगाना चाहिए तो प्रशासन की ओर से, ताकि उस पर कहीं से कोई उसके जाँच में कहीं कोताही ना हो, उसे साक्ष्य को कहीं हेर फेर न किया जाए, जो कि बहुत बड़ा फॉर्म संख्या 9918 की इंक्वायरी में आए थे, तो आप लोगों ने जांच में क्या पाया? जांच में ये पाया कि स्कूल प्रशासन से लापरवाही हुई है, क्योंकि जब बच्चा 8 बजे सुबह गिरा तो उसको उन लोग लेके नहीं गए हॉस्पिटल। हो सकता था कि तत्काल जैसे गिरा गार्जियन को खबर करके उन लोग अस्पताल ले जाते और उसकी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से होती तो बच्चा बच सकता था। मैंने संदिग्ध है कि वो 8 बजे न ले जाके 11 बजे क्यों ले गए और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, गार्जियन को इन्फॉर्म नहीं किया। होती है घटना, तो होती है घटना, होती है। अगर नियत साफ रहता तो लोग पहले गार्जियन को और पुलिस प्रशासन को करके बच्चे को जल्दी से लेके जाते अस्पताल में, उसकी ट्रीटमेंट होती। और पुलिस की भी कमियां पाई जाती है? नहीं, पुलिस से बात करने के बाद हम लोग पुलिस की कमियां नहीं, पुलिस अपने तरीके से अपना प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि जब तक मतलब गार्जियन संतुष्ट नहीं होता है, ताकि वो मर्डर हुआ है कि नहीं ये कोई देखा नहीं है, कोई ऐसा गवाह नहीं, तो वो लापरवाही तो हुई है। मानवता के होता है कि मानव अधिकार के तहत आता है कि वो बच्चा जब गिरा स्कूल प्रशासन को उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए था, ना करके 4 घंटा लेट किया, तो एक एक ग्राउंड बनता है पुलिस को कि आप बच्चे को नहीं ले गए। ये ग्राउंड के आधार पर जब उन्होंने इंक्वायरी किया, कोई भी तैयार नहीं है बताने के लिए बच्चों के साथ क्या हुआ, यही है कि गिर गया खेल रहा था, तो वो आधार पर पुलिस अपना तरीके से अच्छा काम कर रही है। यहाँ के डीएसपी एसपी साहब दरोगा उन लोगों का कहना है कि चार्जशीट हो जाएगा, जिस दिन गार्जियन संतुष्ट होते हैं हम चार्जशीट करके उसको सजा दिला सकते हैं। अगर हम इधर से इधर अगर मर्डर के लिए प्रूफ किए तो मेरे पास अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है। तो बाल संरक्षण आयोग या टीम है, इसमें 2 सदस्य हैं, हम लोग 2 सदस्य हैं, हमारी माननीय प्रमिला सिंह जी हैं जो आपके यहीं की हैं औरंगाबाद और सासाराम की हैं। तो और अब अगला कदम जो बाल संरक्षण आयोग का होगा क्या हम क्या कि अपने इसको अध्यक्ष को हमारी हरपाल कौर को हम लोग जाके इंक्वायरी देंगे, आयोग में जाएगा और आयोग संज्ञान लेगी। वहीं आयोग ने कहा कि बालक की मृत्यु के पश्चात यह स्कूल सील होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और स्कूल का चलना बदस्तूर जारी है, जबकि जांच आयोग को तुरंत ही स्कूल सील कर देनी चाहिए थी। स्कूल का चलना कहीं न कहीं मामले को संदेहास्पद बनाता है और मिलीभगत की बू भी आती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नेशन 24 की टीम ने इस घटनाक्रम को लेकर आयोग के साथ साथ चले और आयोग की टीम का सहयोग भी दिया। आयोग की टीम ने आश्वस्त किया है कि जो भी न्याय संगत होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। घटना स्थल है ये, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से थाने से 8 या 10 किलोमीटर है, तो आप वहाँ 17 अगस्त हो गए, ये क्या सही बात है, सच्चाई है? कुछ 16 तारीख को ही इन्होंने लॉन्च किया है ये, जब ये इनके सामने साथ हम गए हैं। मतलब आप 16 को गए? 17 को गए।
17 तारीख को गया। नहीं, घटना 15 अगस्त को हुई, दोपहर को हुई। तो आप 16 को गए या 17 को गए? परिवार वाले का कंप्लेन है कि आप पुलिस जो है थाना है वो 17 को गई, तो इसमें लेट किसके कारण हुई? देखिए, लेट करने के बाद यहाँ से फिर हम लोग अपना पदाधिकारी को जब इन लोग जो ले करके जब वहाँ जो गए सदर अस्पताल औरंगाबाद हम अपने पदाधिकारी को भी भेजे। हम लोग कोई परिवार थे ही नहीं है। नहीं, वैसे बोलने वैसे फिर डिस्कस करेंगे तो नहीं होगा। एजुकेशन शिक्षा विभाग से मिलता है कि बच्चों का भविष्य नहीं बिगड़े करके स्कूल खुल जाता है, ये मिला है आपको परमिशन? इनका विवाह खैर नहीं है, वो तो उनको नहीं। ये पुलिस केस हो गई है मैडम अब ना? नहीं, उस समय पुलिस केस हो जाने के बाद जब इसमें कोई घटना घट गया है फिर वो आदमी फिर स्कूल खोलता है, भले दो आदमी जेल चला गया। इसमें होता है डीएम साहब परमिशन देते हैं कि बाकी बच्चों का भविष्य नहीं बिगड़े स्कूल खुलता है, ये है भैया नियम है। क्योंकि मान लीजिए रजिस्ट्रेशन वाला ना, हाँ वही तो हम कह रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुआ है, आपको मिला है, हम वही तो इनसे पूछ रहे हैं, तो आप कैसे खोलने दीजिएगा? देखिए, रजिस्ट्रेशन वाला हो चाहे बिना रजिस्ट्रेशन वाला, जब डीएम साहब होता है बच्चा ब्रजेश ठाकुर क्या बोले, नहीं वहाँ बच्चों का जो हुआ वो हम कर, इसी तरह स्कूल में भी तो अवैध से भी तो ज्यादा हुआ। रजिस्ट्रेशन है तो अपने आप में गलत, ये गलत है, वही हम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा संदिग्ध ये है कि वहाँ पर स्कूल पुनः चल रहा है, ये गलत था स्कूल चलना, हम नहीं जानते इस नियम को। हाँ, स्कूल कब चलता है? जब वो प्रशासन से लेता है स्कूल, क्या तो प्रशासन क्या करती है कि नहीं वो रजिस्ट्रेशन नहीं है फलाना स्कूल चलेगा, ये तब स्कूल चलता है। रजिस्ट्रेशन होने के लिए भी मानक नहीं, प्रशासन 100 बच्चे की जिंदगी नहीं, मानक है तो गलत है, प्रशासन चाहेगी कहेगी नहीं ये मानक से गलत था, यहाँ ऐसा ऐसा कांड। नेशन 24 के लिए औरंगाबाद से नीरज कुमार सिंह के साथ मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट।